तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक्सेल फॉर्मूले में डेटा समराइजेशन फॉर्मूले मतलब कि सम इफ काउंटिंग डिस्क फॉर्मूले के बारे में आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने एक डेटा दिख रहा है जिसमें जोन है, कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, क्वांटिटी है, तो हमें क्वांटिटी का सम करना है। तो अगर आप नॉर्मल जैसे सम करते हैं, अगर सम कर दे तो पूरा सम आ जाता है, लेकिन मुझे सम विद कंडीशन चाहिए कि सम के साथ हम कंडीशन भी अप्लाई करना चाहते हैं, उस केस में क्या करेंगे। तो यहां देते हैं सम इफ, सम इफ में हमारा रेंज कौन सा रेंज, मतलब किसके बिहाफ पे सम करना चाहते हो वो देना होगा। तो मान लीजिए मैं ईस्ट का टोटल क्वांटिटी चाहता हूं तो मैं यहां पे सम इफ लाऊंगा और सबसे पहला दिखाना होता है कि भाई ये जो ईस्ट किस रेंज में मैच करेगा। तो हमने ये ले लिया कि इसमें मैच करना है, फिर क्राइटेरिया हमने इसको सिलेक्ट किया और हमारा जो सम रेंज है वो सम रेंज ए हो जाएगा। मतलब कि वो जाके चेक करेगा किसमें, जाके चेक करेगा कि कॉलम ए में किस किस सेल पे इस्ट है और इसके सामने वाली कॉलम डी में कहाँ वैल्यू है, कॉमन वैल्यू, सारे वैल्यू इकट्ठा करके एक सम कर देगा। मैं दोबारा बताता हूं कैसे हमने अप्लाई किया। मैं नॉर्थ का लगाता हूं, हमने लगाया सम इफ, सम इफ मतलब सम विद कंडीशन, और हमने रेंज सिलेक्ट कर लिया जोन, और हमने सिलेक्ट कर लिया क्राइटेरिया नॉर्थ और सिलेक्ट कर लिया सम रेंज। आपके सामने रिजल्ट आ गया, ठीक है सर, रिजल्ट आ गया। अब इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें इंसेंटिव देना है तो हमारे टोटल टीम को कितना इंसेंटिव का वजन है हमें पता करना है, क्योंकि टोटल 90,316 सेल हुए हैं और इंसेंटिव जो होता है मान लीजिए वो होता है 50 रुपीज पर क्वांटिटी। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे, ये तो यहाँ पे प्लीज म्यूट रखिए सर। तो यहाँ पे वाले की कंडीशन ही कहता है कि नहीं मैं ओवरऑल पे नहीं दे रहा इंसेंटिव, मुझे इंसेंटिव देना है जो कि ग्रेटर देन 50 है उनका टोटल पे। मतलब कि मैं इसको फिल्टर करूंगा, क्वांटिटी में जाऊंगा और जो ग्रेटर देन 50 है उनको सम करना है हमें। तो हमें जो ए सम आ रहा है ना यहाँ पे 64,561 ए सम चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ग्रेटर देन 50 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला देंगे। और सम इफ में हम यहाँ जो हमारा क्राइटेरिया ये सम रेंज माफ कीजिएगा, इसको सिलेक्ट कर लिया और इस ग्रेटर देन 50 को सिलेक्ट कर लिया, तो 64,561 यहाँ दिख गया आपको। मतलब कि मैं अगर सिर्फ 50 मान लीजिए कि मैं डायरेक्ट टोटल करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ सम इफ में क्राइटेरिया और यहाँ पे ग्रेटर देन 50 लिख सकता हूँ और टोटल आ जाएगा। या फिर मैंने 50 यहाँ लिख रखा है फिर भी मैं सम इफ यहाँ लगाऊंगा और मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करूंगा और इन्वर्टेड कॉमा में देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन और फिर इसके साथ कॉन्केटेनेट करता हूँ 50 को, तो टोटल हमारे पास ये आता है। ये तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो चीज समझिए, पहली चीज समझिए कि मैंने ऊपर वाले में तीन क्राइटेरिया था हमारा, पहला था सम रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज, बट मैं नीचे वाले में सिर्फ दो ही दिया, क्यों, लेकिन जो रेंज और क्राइटेरिया रेंज दोनों एक ही हो, सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज दोनों एक ही हो तो फिर हमें सम रेंज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सेम चीज यहीं पर हुआ कि आपको यहाँ पे मुझे सम रेंज
देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से मैं ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू लगा सकता हूं। तो संतोष जी समझ में आ गया आपको ये? हाँ सर। सॉरी सर, संतोष जी आपने रिप्लाई नहीं किया, समझ में आ गया आपको ये? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि अगर मान लीजिए, जैसे ये देख लीजिए हमारे सामने, मैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग चलना चाहता हूँ। तो कैटेगरी में जैसे एनजीओ है, ठीक है ना, तो ऐसे गवर्नमेंट है, यहाँ चार डिजिट का है, तो मुझे एनजीओ, जीओबी गवर्नमेंट, एसएमई, जो तीन लेटर वाले हैं उनका टोटल चाहिए। तो मैं यहाँ पे तीन क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा और यहाँ पे मैं करूंगा सम इफ, और सम इफ में मैंने क्राइटेरिया इसको दिया, क्राइटेरिया रेंज हमने इसको दिए और सम नहीं हम जो होता है क्वांटिटी उसको दे दिया, तो इसने सिर्फ तीन डिजिट वाले को सम कर दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कहीं देखिए यहाँ पे क्या है कि कैटेगरी में कहीं पे इंडिविजुअल लिखा हुआ है, कहीं पे शॉर्ट पे लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जिसका स्टार्टिंग आई एन टी वी से है वो सब टोटल दिखा दे। तो उसके आगे मैंने स्टार लगा दिया और मैंने आ दिया सम इफ, सम इफ क्राइटेरिया हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और रेंज हमारा ए हो गया, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया हमने दे दिया और हमने सम रेंज अपना दे दिया, क्या टोटल दे दिया। तो जैसे वी लुकअप में मैंने आपको बताया था वैसे आप यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं मान लीजिए कि पहले स्टार लगाया फिर टेक्स्ट दिया तो एंड भी हो जाएगा, और दोनों तरफ स्टार लगाया और टेक्स्ट दिया तो ये हो जाता है आपका कंटेन। तो ये होगा स्टार्ट विथ, एंड विथ और कंटेन, मतलब कहीं भी हो सकता है, ये स्टार्टिंग होना चाहिए, ये एंडिंग में, और ये कहीं भी हो सकता है। इसको लाइक कमांड बोलते हैं। तो ये लाइक कमांड समझ में आ गया? अब लाइक कमांड के बाद बात करते हैं मल्टीपल कंडीशंस की। जैसे मुझे बेस्ट में एसएमई का टोटल चाहिए, मतलब कि मोर देन वन कंडीशन। अब यहां पे दिक्कत यह है कि आप किसी भी कंडीशन में सम इफ में दो कंडीशन नहीं अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है सम इफ्स का, एफ एस। तो सम इफ्स को लिया और हमने इसमें ले लिया रेंज, नहीं इसमें थोड़ा उल्टा होता है, हमें दे रहा होता है पहले सम रेंज, तो हमने सम रेंज दे दिया, फिर दिया क्राइटेरिया वन रेंज, यानी क्राइटेरिया क्राइटेरिया वन रेंज एंड क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू रेंज एंड क्राइटेरिया टू, ऐसे क्राइटेरिया थ्री फोर फाइव जितनी क्राइटेरिया आप ऐड कर सकते हो, 255 क्राइटेरिया इसमें ऐड कर सकते हो आप। तो आपका टोटल आ गया, जो कि वेस्ट में एसएमई का टोटल आपको यहाँ आ गया, और इसमें भी ये सारे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं
जो कि आपने सबमिट नहीं किया है। तो सम इफ और सम इफ्स का यूज आप समझ गए। अब आगे चलिए कुछ और फॉर्मूले हैं उसके बारे में देखते हैं। सम इफ की तरह ही, सम इफ की तरह हमारे पास अगला फॉर्मूला है एवरेज इफ का। कि अगर आपको मान लीजिए कि इसका एवरेज निकालना है, तो ओवरऑल एवरेज, तो अभी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल एवरेज आपका है, एवरेज फॉर्मूला से निकाल लेते हैं कि एवरेज इसका एवरेज आपका 50 है, लेकिन मैं ईस्ट का एवरेज कितना है वो चाहिए, तो यहां पे मैंने एवरेज इफ लगाया, एवरेज इफ, और हमने रेंज को सिलेक्ट किया जो आपका रेंज है जिसमें सिलेक्ट मैच करना है। जैसे सम इफ, जैसे आपने सम इफ लगाया है सेम इस तरह से एवरेज इफ भी लगता है, और जैसे आपने सम इफ में कंडीशन दिया है वैसे ही आप एवरेज इफ में भी दे सकते हो। उसके बाद इस सारे कंडीशन दे सकते हैं, जब मोर देन वन कंडीशन होगा तो यहां पे हम एवरेज इफ्स का इस्तेमाल करेंगे, और हम यहां पे रेंज देंगे, जैसे सम इफ्स इस्तेमाल किया था सेम हम एवरेज इफ्स इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन और आपके यहाँ आ गया, और एवरेज इफ पे भी ये सारे क्राइटेरिया ये सारे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अप्लाई करके देखिएगा। ऐसे हमारे पास काउंट के फॉर्मूले, एक होता है काउंट मतलब कि काउंट नंबर, वो अपने अंदर जितने सेल में नंबर फील है उसका काउंट देता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं देता है, यानी टू दिया क्वांटिटी को नहीं लिया। एक होता है हमारे पास काउंट ए जो पूरा काउंट करता है, होता है काउंट ब्लैंक जो सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है कि आपके कितना एरिया ब्लैंक सेलेक्ट कर रखा है, ये तो प्री डिफाइंड होता है। लेकिन अगर मुझे कंडीशन चाहिए, मुझे इस्ट कितना बार रिपीटेड है, उसके लिए हम यहाँ पे काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे कि काउंट इफ कि इसके अंदर क्राइटेरिया, और काउंट इफ में भी जैसे मुझे ग्रेटर देन 50 काउंट करना है उसमें काउंट इफ में हम ए भी दे सकते हैं, काउंट इफ इसको सिलेक्ट किया और क्राइटेरिया में हमने ग्रेटर देन 50 दे दिया। ये और सारे कंडीशन हम काउंट इफ में डाल सकते हैं। जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन होगा तो काउंट इफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंट इफ्स क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू एंड क्राइटेरिया और एंटर 3, 5, 6 आगे, ये आपका क्राइटेरिया है। क्लियर है कोई डाउट इसमें? संतोष जी कोई डाउट इसमें सर? नो सर। तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेजता हूं, आप लोग इसके और भी एग्जांपल ट्राई कर लें, और कल की क्लास में हम आपको एक प्रोजेक्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है सर? ओके सर।